गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SV एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम फर्स्ट, रिस्क। तो अब तक अपने 5 लेसन कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में अपने फर्स्ट पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिस्क, जो कि जेनेट रेंट के द्वारा लिखी गई है। रिस्क का मतलब जोखिम। यह एक मोटिवेशनल पोइम है जो हमें इंस्पायरेट करती है। फर्स्ट, सबसे पहले पोएटेज हमें इसमें जीवन में जोखिमों के बारे में समझाती है, बताती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जोखिम अंतर्निहित होता है, उसमें हर कार्य में जोखिम है। और उसके बाद में हमें सुझाव देती है कि हमें जोखिम अवश्य उठाना चाहिए, बिना जोखिम के हम क्या नहीं कर सकते, ये सब इस पोइम में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पोइम के बारे में कि पोइम में पोइट ने क्या लिखा है, यानी कि समरी के रूप में अपने इसको देख रहे हैं। पहले तो पढ़ते हैं, रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। रिस्क एक मोटिवेशनल पोइम है, प्रेरणास्पद कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। प्रत्येक कार्य जो कि मानव के द्वारा किया जाता है उसमें जोखिम अपेक्षित है, यानी कि हर किसी कार्य के अंदर जोखिम रहता है। होप में रिजल्ट इंटू डिस्पेयर एंड लाइफ इंटू डेथ। उसके बाद में पोएटेस ने लिखा है कि आशा में निराशा और जीवन में मृत्यु का जोखिम है। रिस्क इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटरगल का मतलब अभिन्न, यानी कि पूरी तरह से जुड़ा हुआ। रिस्क इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ लाइफ, जोखिम है वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवन है वो जोखिमों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स कॉरेज, और इस भय को जीतने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द कॉरेज टू टेक रिस्क। सफलता कुल मिलाकर जोखिम लेने का साहस ही है, यानी कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सीधी सी बात है कि आपको रिस्क लेना होगा। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क। और कवि यहाँ पर सभी मानव या प्राणियों को खतरे उठाने का संदेश देता है। इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने जीवन में खतरे अवश्य उठाने चाहिए, जोखिम अवश्य उठाने चाहिए। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। और उसके बाद में पोइट कहते हैं कि यदि हम जोखिमों को नहीं लेते हैं तो वहाँ हमारे जीवन के अंदर दुखदायक स्थिति और पीड़ाओं से बचने का अवसर तो है, बट वी विल बी मिसिंग सो मच, परंतु हम बहुत कुछ खो रहे होंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वुड नॉट लर्न एनीथिंग, यानी कि जोखिम उठाए बिना हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये समरी थी। अब देखते हैं पोइम में क्या लिखा है। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बींग कॉल्ड नेव। तो फर्स्ट स्टैंजा में बताया है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनके अंदर जोखिम रहता है। फर्स्ट लाइन में देखते हैं, पोइट ने लिखा है कि अगर हम हंसते हैं तो हमारे मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम रहता है, यानी कि अगर हम हंस रहे हैं तो लोगों का क्या है, वो तो हमें मूर्ख बोल देंगे। यानी कि हमें जोखिम उठाने चाहिए, उन जोखिमों से डरना नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे।
टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि अगर हम हंसते हैं तो भी हमारे मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, और रोने में भावुक प्रतीत होने का जोखिम है। यानी कि अगर आप रोते हो तो भी लोग बोलेंगे कि यह सेंटिमेंटल है, यह भावुक है। एज ए एग्जाम्पल, जैसे आप कई फ्रेंड मिल्स के मिलकर एक मूवी देख रहे हैं और कोई ऐसा सीन आता है जिसको देखकर आपका कोई साथी रोने लगता है या उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं, यार ये बहुत जल्दी रोने लगता है। तो यानी कहने का मतलब, पोइट कहते हैं कि हर कार्य में रिस्क है। हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का रिस्क है, रोने में सेंटिमेंटल प्रतीत होने का रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और यदि तुम किसी दूसरे की ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आगे बढ़ते हो, टू रीच आउट फॉर अनदर यानी कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आगे जाना इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी संलिप्तता यानी कि आपके उसमें किसी स्वार्थ संलग्नता का जोखिम है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने जाते हो तो भी लोग ये सोच सकते हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए उसकी हेल्प कर रहे हो। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करना, एक्सपोज प्रकट करना बताना। यदि आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते हो तो उसमें तुम्हारी वास्तविक स्थिति प्रकट होने का भय है। क्या समझे? कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ पर्सनल और प्राइवेट वेज होते हैं, अपने कुछ पर्सनल तरीके होते हैं जो वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो हो सकता है कि दूसरा उसे आपके वास्तविक स्थिति के बारे में जान जाए। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, क्राउड का मतलब लोग, लोगों के सामने अपने विचारों और स्वप्नों को बताने में भी आपको अनुभवहीन या नौसिख्या कहे जाने का जोखिम है। नेव मिस होता है नौसिख्या या अनइंस्पायर्ड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहे जाने का जोखिम आपके सामने रहता है। तो इस स्टेंजा में हमने पढ़ा कि पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की कि चाहे आप कोई भी कार्य करो, चाहे हंसना है, चाहे रोना है, चाहे किसी की सहायता करना है, चाहे अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, अपने स्वप्नों को दूसरों को बताना है, हर किसी में जोखिम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, और पोइट कहते हैं टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। और उसके बाद में सेकंड स्टेंजा में वो बताते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम ही मिले ये ज़रूरी नहीं, ये भी एक जोखिम है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीवन जी रहे हो तो इसमें भी मरने का रिस्क है। आप हमें पता नहीं है कि हम कब तक जीवित हैं, तो हम जीवन जी रहे हैं इसमें हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है। होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, और आशा में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और प्रयास करने में असफलता का जोखिम है। यानी कि हर किसी कार्य में जो भी अपने करते हैं हर किसी में रिस्क है, वो प्रेजेंट है, उपस्थित है। उसके आगे हमें सुझाव दे रहे हैं पॉइंट, क्या कहते हैं, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। वो कहते हैं कि परंतु ये जोखिम अवश्य उठाए जाने चाहिए क्योंकि जीवन के अंदर खतरे नहीं उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। हजार का मतलब जोखिम या खतरा, यानी कि पॉइंट हमें कहते हैं कि हमें खतरे अवश्य उठाने चाहिए। अगर हम खतरे नहीं उठाते हैं जीवन में तो ये सबसे बड़ा जोखिम तो यही खुद ही है कि हम जोखिम नहीं उठा रहे हैं, हम आलसी हैं, हम भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। और सीधी सी बात है, जो जोखिम उठाता है वही सफल होता है। जैसे कि कहा जाता है, डूबता कौन है जो तैरना जानता है, क्योंकि वो ही रिस्क लेता है उस पानी के अंदर जाने का। तो अब अगर तैरना सीख गया और तैर कर पार करेगा तो कौन करेगा, जिसने उस जोखिम को उठाया है।
द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। और उसके बाद में पोइट कहते हैं, बताते हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेता है वह कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं रखता है, वह खुद कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं बन पाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव। उसके बाद में पोइट कहते हैं कि हो सकता है कि वे दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं परंतु वे कुछ भी नहीं सीख सकते, महसूस नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते, वृद्धि और विकास नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते और अपना जीवन नहीं जी सकते, यानी कि वो एक मृत के समान है। उनमें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है जो अपने जीवन में जोखिम लेने से डरता है। चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। और जो अपनी ही निश्चिंतता सर्टिट्यूड अपनी निश्चितता में जकड़े हुए हैं, चैन का मतलब जकड़े हुए बंधे हुए, दे आर स्लेव्स वे गुलाम हैं, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड मतलब खो दी है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। यानी कि जो अपनी ही निश्चितता, जो अपने को ये आश्वस्त करके बैठा हुआ है कि मुझे जीवन में कोई खतरा नहीं उठाना है, जो कुछ होना है वो भाग्य के भरोसे अपने आप होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वे अपनी ही धारणा में जकड़े हुए हैं, वे उन धारणाओं के गुलाम हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। उसके बाद में पॉइंट कहते हैं केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र वास्तविक रूप से स्वतंत्र है जो जोखिम उठाता है। तो हमने देखा इस पोइम के अंदर कि पोइट ने हमें बताया है कि हमें हमारे लाइफ के अंदर रिस्क अवश्य उठाना चाहिए। रिस्क ही है जो हमारी सफलता का मार्ग खोलता है और रिस्क के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, ना ही कुछ बन पाता है। और हम जो कुछ भी करते हैं हर किसी कार्य में जोखिम तो होता ही है, इसलिए हमें अपने जीवन में जोखिम अवश्य उठाना चाहिए। और जो जोखिम उठाते हैं वही सच्चे रूप से स्वतंत्र कहलाते हैं। बिना रिस्क के व्यक्ति एक मृत के सम्मान है जो कुछ भी नहीं बन पाता है, कुछ भी बदलाव नहीं कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है। तो इस पॉइंट में हमने जोखिम के बारे में पढ़ा और हमें ये इंस्पायरेशन भी मिली कि हमें हमारे जीवन के अंदर रिस्क अवश्य उठाने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पोइम अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी और आपने भी डिसाइड किया होगा कि हमें सफलता के लिए रिस्क अवश्य उठाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।